अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। मैं बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता हूं। गुप्तेश्वर पांडे बीते मंगलवार को बिहार के DGP पद से स्वाइच्छित सेनानिवृत्त BRS लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक पारी के बारे में खुलकर बात की है। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, क्या ये अवैध है? बिहार के DGP बनते ही SK सिंगल एक्शन में सुनाया फरमान, जिम्मेदारी SP DSP को भी लेनी होगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी SK सिंगल ने बुधवार को बिहार के DGP का प्रभार संभाल लिया। कामकाज शुरू करते ही उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस की प्राथमिकताएं तय की। उड़ान योजना में शामिल है भागलपुर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने लिखा पत्र लोक सदस्य को, प्रधानमंत्री की उड़ान योजना में भागलपुर शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा सदस्य अजय कुमार मंडल को पत्र लिखकर जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि हवाई जहाज के उड़ान को लेकर जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू होगा। तकनीकी टीम जल्द ही भागलपुर जाएगी। सुरजेवाला ने मोदी और नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों को तबाह कर रहे हैं ये तीन काले कानून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। बिहार में महागठबंधन के सभी साथी एकजुट हैं। सरकार नए कानून की मदद से किसानों के खेत को चहेती कंपनियों के हाथ गिरवी रखना चाहती है। पूरी इंदिरा आवास के भी बहुरंगे दिन, अब कोसी क्षेत्र में भी पूरा होगा हजारों का घर। सहरसा, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ होने के पूर्व इंदिरा आवास योजना के निर्माण के लिए काफी कम सहायता राशि दी जाती थी। ऊपर से बिचौलिए की सक्रियता के कारण लाभुकों तक काफी कम राशि पहुंचाई जाती थी। फलस्वरूप राशि के उठाव के बाद भी अधिकांश आवास पूर्ण नहीं हो पाता था। बिहार सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए जहां वर्ष 2004 के पूर्व से ध्वस्त इंदिरा आवास योजना को मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के आच्छादित करने का निर्णय लिया, वहीं वर्ष 2010 के पूर्व के अधूरे इंदिरा आवास को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 50,000 की अतिरिक्त राशि देकर इसे पूर्ण कराने की योजना बनाई। इससे कोसी क्षेत्र के लाभुक सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटे का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 72 घंटे के लिए पूर्व बिहार, सीमांचल और कोसी के अधिकांश जिले में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। गंगा नदी से सटे जिले में कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। उन्होंने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। अररिया में दर्जनों मकान ध्वस्त, नदियों का जल स्तर बढ़ा, पलायन करने लगे लोग। नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश से अररिया के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। अररिया में लगातार भारी बारिश हो रही है, नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं, दर्जनों घर ध्वस्त हो गए हैं। सिटकी के नूना नदी उफान पर है। दहगामा ईदगाह के निकट कटी तटबंध से निकली नई धारा में 10 परिवार के पक्के मकान कट गए हैं। पहड़िया एवं दहगामा तथा खोरागाछ पंचायत के दर्जनों गांव में पानी फैल गया है। वहीं पलासी क्षेत्र होकर बहने वाली बकरा और रतवा नदी के जलस्तर में बीते बुधवार देर संध्या से अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिससे खासकर बकरा नदी में आए उफान से प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव में पानी फैल गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रामा सेंटर के मुख्य द्वार पर इंजीनियर ने जड़ा ताला, आफत में डाली मरीजों की जान। किशनगंज सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर को हैंडओवर कराने के लिए निर्माण एजेंसी
इंजीनियर ने मरीजों की जान आफत में डाल दी है। सुबह को ड्रामा सेंटर के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर इंजीनियर प्रकाश कुमार भाग निकले। इस कारण आईसीयू में भर्ती दो कोरोना मरीज की स्थिति गंभीर हो गई। इस दौरान कोरोना जांच कर रहे कर्मी भी अंदर बंद रह गए। इससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पूर्वी चंपारण के पिपड़ा में कल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बलवाकोठी गांव में स्वर्ग दरोगा पांडे के श्राद्ध कर्म में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिपड़ा में संभावित आगमन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पिपड़ा थाने के बलवाकोठी गांव में स्वर्गीय दरोगा पांडे के श्राद्ध कर्म में पहुंचेंगे। इसको लेकर गुरुवार को डीएम ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया। इसके लिए डीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए।